सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे ऐप यूज करते हैं तो फ़ोनपे में एक बड़ा अपडेट आया है जिसके थ्रू आप आधार कार्ड से भी फ़ोनपे में अपना अकाउंट ऐड कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी फ़ोनपे ऐप यूज करते हैं और आप अपना आधार कार्ड से अपना अकाउंट लिंक करना चाहते हैं फ़ोनपे ऐप में, तो आप बहुत आसानी से अब अपने आधार कार्ड से अपना अकाउंट फ़ोनपे ऐप में लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना आधार कार्ड से अपना अकाउंट फ़ोनपे ऐप में लिंक करना चाहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने आधार कार्ड से अपने फ़ोनपे ऐप में अपना अकाउंट लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोनपे ऐप नहीं होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर मैंने फ़ोनपे ऐप का लिंक डाल दिया है। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये अपडेट नहीं आया है तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपने फ़ोनपे ऐप को अनइंस्टॉल कर देना होगा और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से इसे आप अपने मोबाइल में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे और आपका जो भी अकाउंट होगा इसमें सक्सेसफुली लिंक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करेंगे, फ़ोनपे का होम इंटरफेस इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी अपना बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे इस तरह से चेक कर लेंगे। आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट ऐड किया होगा यहाँ पर आपका शो करेगा, आपका नाम और आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट ऐड किया होगा यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आपने अपना जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा यहाँ से आपको उसे ओपन करना होगा। तो यहाँ से आपको ओपन करना होगा, तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना स्टेट बैंक अपना ओपन कर दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए आप कहाँ से अपना अकाउंट ऐड कर पाएंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली कोने में हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे मार्क दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। हेल्प के मार्क पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूपीआई पिन, यूपीआई आईडी और एक्टिवेट एडिशनल यूपीआई आईडी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले नंबर पे यूपीआई पिन पे क्लिक करना होगा। यूपीआई पिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि पहले में लिखा है यूपीआई पिन का, व्हाट इज यूपीआई पिन, और यहाँ पे दूसरे वाले में यूपीआई पिन और एटीएम पिन के बारे में, एम पिन के बारे में बताया है। यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं कि हाउ डू आई फेट आर रिफेट माई यूपीआई पिन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अगर आप आधार कार्ड से अपने अकाउंट को फ़ोनपे में ऐप में लिंक करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप उसके नीचे देख रहे हैं कि हाउ डू आई चेंज माई यूपीआई पिन, तो अगर आप अपना यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो भी यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चेंज यूपीआई पिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि हाउ डू आई चेंज माई यूपीआई पिन, टू चेंज योर यूपीआई पिन फॉर एनी बैंक अकाउंट लिंकेड ऑन फ़ोनपे। तो यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि अगर आप अपना फ़ोनपे में कोई भी अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो आपको 9 स्टेप में आपको अपना अकाउंट लिंक करना होगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर आपको बैक आ जाना होगा। और बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा हाउ डू आई फेट आर रिफेट माई यूपीआई पिन, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यूजिंग योर डेबिट कार्ड और यूजिंग योर आधार कार्ड। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोनपे ऐप में अपने आधार कार्ड से अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे क्लिक करना होगा। लेकिन चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको डेबिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद भी वही 9 स्टेप दिखा रहा है कि अगर आप अपना अकाउंट डेबिट कार्ड से भी ऐड करना चाहते हैं तो भी आपको 9 स्टेप में अपना अकाउंट कंप्लीट करना होगा, अपना यूपीआई कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। और बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ से मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आधार कार्ड में क्या दे रहा है। तो दोस्तों, आधार कार्ड में भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 9 स्टेप में वही सारे प्रोसेस दिखा रहा है जो यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड के लिए दिखा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सीधे रिफेट यूपीआई पिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, रिफेट यूपीआई पिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ये सिर्फ एक अपडेट आया है। तो दोस्तों, हो सके थोड़े दिनों में ये अकाउंट भी ऐड करने का ऑप्शन देने लगे, अभी ऑप्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ आधार कार्ड का ऑप्शन शो कर रहा है लेकिन अकाउंट अभी लिंक नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाता है, मैं आपको उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से अपना आधार कार्ड से अपने
फ़ोनपे ऐप में अपना अकाउंट लिंक कर पाएंगे। अभी दोस्तों लिंक हो नहीं रहा है, बस ऑप्शन आया है आधार कार्ड का, अभी अभी अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही अकाउंट ऐड होने लगेगा ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अपना आधार कार्ड से अपना अकाउंट लिंक कर पाएंगे। तो फ़ोनपे ऐप से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।